सोचो एक 13-14 साल का बच्चा, उसकी क्या एक्टिविटी होंगी? स्कूल जाना, फुटबॉल खेलना, पबजी खेलना और शायद ब्लॉग और कालिया का पुनर जाना। मतलब वो ऐसा है थे, वो आधे कपड़े पहनता था और ये पूरे पहनता, फर्क सिर्फ इतना। ये गुंडागर्दी करता है, सूट सूट ये वाला कालिया कपड़े पूरे पहनता है। ये भाई साहब भी 13-14 साल वाले कैटेगरी में आते हैं इसमें, मगर एक भी वो नॉर्मल हारता नहीं है जो 14 साल वाले हारते हैं। ये डरता क्या होगा? डरता है इंस्टाग्राम में इंग्लिश सिखाता है भाई, वो भी बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। ना इसका कोई कोर्स खरीदना है, ना इसका कोई टीचिंग जो अंदर नहीं है, बस इसकी 6-7 आप रील देते हैं और आपको इंग्लिश फर बोलने आ जाएगी। जो कोर्स बेचते हैं बोलते हैं गाइस हमसे कोर्स ले लो गाइस, अब अंबानी को पीछे छोड़ दोगे गाइस। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, सिर्फ देश का भला करने के लिए आया है। सही है, इसने पुनर्जन्म भी इसलिए इस वजह से लिया थे, ये देश का भला करने आया है, पाकिस्तान का भला करने आया है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। ये सिर्फ भला करने आ चुका आया है पाकिस्तान का। उस तो अब तो पैसा नहीं चाहिए, उस तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए प्यार और सिर्फ बिरयानी चार दे दे। इसने जमशेद को हेट वाला कमेंट किया, समोसा वो था उसमें कीड़ा आ जाएगा, रोल था उसमें चूहा मरा हुआ होगा। सही है, वो कुछ भी था उसमें कीड़ा और चूहा मरा हुआ आ जाएगा। इसने जमशेद को रोस्ट किया, गजब बेइज्जती है भैया। इसने बहुत जोर से पाद मारी है, आप देख ये इंग्लिश का इतना अच्छा टीचर है, इतना अच्छा टीचर है, तो हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी बचपन से। बे मतलब हमारे घर वालों ने हमें स्कूल भेजा, सही है ना? आज हम तरने वाले हैं, इस वजह से हम आप स्कूल के टीचर तो रोस्ट कर देंगे अच्छे तरीके से, सही है ना? इस तो किसी ने कमेंट किया, आप हमारा नाम पात मतलब पढ़ते दिखाओ और इससे काम दे तो ये क्या कर रहा है भाई? मेरा नाम इंग्लिश में पाद कर दिखाओ। ओके डर आ रहा है भाई, नहीं डर हरकते नहीं डर, ये वाली तू भाई तू इतना कमजोर कैसे हो गया? बस भाई यार कमजोर बोल रहे कमेंट में भाई, कमजोर इसको बोलते हैं, सही है ना? कमजोर इसको बोलते हैं, कमजोर हाथी दे बच्चे को नहीं बोलते, गोरिल्ला दे बच्चे तो नहीं बोलते कमजोर, सही है ना? जिसने कमेंट किया ना वो अपना चश्मा बनवा ले, पैसे नहीं है पैसे मुझसे ले जाए, सही है ना? साबिर इतवाल वे लोग तो टैग करे, पैसे मुझसे ले जाए चश्मा बनवा ले, हाथी रे बच्चे कमजोर बोल रहे। कंट्रोल भाई तेरी शक्ल अच्छी है, बस कैमरा ऑन ना किया कर। लापरवाही का नतीजा है भाई, तेरी आवाज अच्छी है बस बोला मत कर। बोल रहे तेरी शक्ल अच्छी है, कैमरा ऑन मत किया कर, तई बोल रहे तेरी आवाज अच्छी है बोला मत कर। यार ये क्या सीन चल रहा है, आवाज अच्छी है तो बोलने दो ना। बाबू ने खाना खाया नहीं, चलो बोलते बाबू ने खाना खाया, इसकी उम्र है, जेर खाते मर रहे हैं, सही है ना? इंग्लिश बोलना सिखा रहा है, बड़े मुंह वाले बिल्ले को इंग्लिश में क्या देते हैं? बिल्डो बड़े मुंह वाले बिल्ले को देते हैं विद फेस टेट। चलो ये अंग्रेज के बच्चे की अंग्रेजी सुन लेते हैं। क्या आपको पता है बड़े मुंह वाले बिल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता है इंग्लिश, कल सीखे गए आप लोग। बड़े मुंह वाले बिल्ले को इंग्लिश में कहते हैं बड़े मुंह वाला बिल्ला, बड़े मुंह वाला बिल्ला, ज्यादा खाने वाला बिल्ला। ओके ओके निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अंग्रेजी हमने अंग्रेजों के सामने नहीं बोली, सही है ना? वरना वो हमसे पिछले गुलामी की माफी मांगते और इस जैसे अंग्रेज तो पैदा करने दी भी माफी हमसे ही मांग रहे होते भाई। भाई बच्ची यस करवा दो, इस तो किसी ने मैसेज किया बच्ची सेट करा दो, सही है? इसकी बंदा इस जैसे बिल्डोजर तो बंदा जेर देने की प्लानिंग कर रहे और इस तो बंदा मैसेज करते बोल रहे मेरी हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बच्ची सेट करा दो, क्या बंदे यार, सिंगल बंदे हैं कहीं भी जा सकते हैं, सिंगल बंदों की कुछ लाइफ भी सेट करा होती है। इसी वजह से हमें मतलब चैनल लगते और एक्स्ट्रा टेस्ट लग जाते, इमरान खान एक्स्ट्रा टेस्ट लगा देता है ये वाली अंग्रेजी बोलने। इसी वजह से मुझे यकीन है आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और रोस्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और
यार इन जैसे अंग्रेजों के ऊपर और अंदर ब्रिटिश बनाऊ नहीं बनाऊ। सही है, अल्लाह हाफिज़।